मेरे लिए कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, सिख हो, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सबके मसले एक जैसे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। नौजवान फॉर्म भरते हैं तो उसमें दादली हो गई होती है तो वो नौकरियां रुक जाती हैं। बिजली हमारी पूरे मुल्क को रोशन करती है और हर जगह हर पार्टी मुफ्त बिजली देती है अपने लोगों को, मगर जम्मू कश्मीर में बिजली फीस 100 गुना बढ़ गया। इन दिनों में गरीब से गरीब आदमी उसको हजारों रुपए का बिल आता है, पर कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ, ये आज हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, गुजर पहाड़ी की लड़ाई नहीं है, कश्मीरी बकरवाल की लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप लोगों को फैसला करना है, पार्लियामेंट में भेजना है किसी को। दिल से हर वक्तम करता हूं कि आपने हमारे कायद, हमारे लीडर, जम्मू कश्मीर की रहबर मैडम महबूबा मुफ्ती के वेलकम के लिए यहां पे आए हैं। मैं आज इस रोड शो की विसादत से मैडम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि पूरा पीर पंजाब बिलखुसूस पंचसरा बना तफलियाज आपके हर नारे को लबैक कहते हुए पीडीपी के साथ है। ये कहीं चलता क्यों नहीं है वो गाना? कैसे आप सब? ठीक है। आज आप जानते हैं मैं आप लोगों के पास आई हूँ आपसे दरखास्त करने की कि मेरी मदद कीजिए। आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है और ये मैं अपने लिए कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, जिस तरह हमारी शिनाख्त पे हमला हो रहा है, हमारी जमीनों से हम ही को खदेड़ा जाता है, जंगल कह के, गास चराई कह के, सरकारी जमीन कह के, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है, हर चीज को हमसे लेने की कोशिश, छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज का जो इलेक्शन है ये बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, वो तब होता है जब सरकार बनानी होती। आज का इलेक्शन ये है जो जम्मू कश्मीर में हालात है, मामलात है, इसके बारे में कौन बात करे। मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी तब आप लोगों से बात नहीं हो सकी, तब हालात ही कुछ और खराब थे, टोपी पीर का वाकया हुआ था और मैंने कोशिश की थी वहां जाने की। आज भी राजौरी में परसों एक हादसा हुआ, वहां पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, कोई 70-80 लोगों को पकड़ लिया है। तो ये जो अदम तहफ़ का हम लोग शिकार हो गए हैं, ये तहफ़ देने के लिए जैसे मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में जब यहाँ लोग इन खासकर दूर दराज इलाकों में रहते थे, कभी मिलिटेंट की बंदूक, कभी आर्मी वाले की बंदूक, कभी टास्क फोर्स की बंदूक, कभी सरेंडर्ड मिलिटेंट की बंदूक, सैलान सुरनकोट मुझे याद है जहाँ 19 लोग बच्चे समेत मारे गए एक ही दिन में सरेंडर्ड मिलिटेंटों ने और कुछ जवानों के हाथों, तो उससे तहफ़ दिया उन्होंने। आज फिर से जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात में है। मैं आपके बीच में तफरुक पैदा करने के लिए नहीं आई हूँ। आप जानते हैं इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के और मैं यहाँ की उम्मीदवार हूँ, और इसलिए मैं सब लोगों से यहाँ गुजारिश करना आई हूँ कि
इस वक्त जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल हालात में है, बताने की जरूरत नहीं है, सबके दिल में खौफ है, बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं आई हूँ कि आपकी जबान बनने के लिए, बेजुबानों की जबान बनने के लिए। आपको याद होगा हाल ही में क्या हो गया टोपी पीर में, तो कोई वहां जा नहीं सका, बात नहीं कर सका। और इसी तरह कल राजौरी में जो एक हादसा हुआ उसमें की वजह से भी कई लोगों को पकड़ के ले गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल माहौल है 2019 के बाद, जिस तरह से हमारी पहचान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, हमारे को ही हमारे जंगलों से हमारी जमीनों से खदेड़ने की कोशिश हो रही है कि ये तुम्हारी नहीं, निकलो यहाँ से, तुम्हारे कागज दिखाओ वगैरह वगैरह। हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है, पूरे मुल्क में बहुत जगहों पे फ्री है, हमें सबसे महंगी मिलती है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। मगर आज का ये इलेक्शन जो है ये तार पोल के लिए नहीं है, ये इसलिए कि बहुत प्यारी प्यारी बच्चे हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि जब भी किसी को तकलीफ होती है तो उसकी शक्ल से, उसको जब भूख लगती है तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पहाड़ी गुजर नहीं होता है। जब भी हमारी महंगाई मारती है तो सबको एक जैसा मारती है। जब भी हमारी पहचान, चाहे वो डोगरे की पहचान हो, चाहे हमारे ट्राइबल्स की पहचान हो, चाहे कश्मीरियों की पहचान हो, जब उसको छीनने की कोशिश करते हैं तो वो हम सब पे खतरा मंडलाता है। इसलिए मैं आप सब से, यहाँ काफी नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सबको गुजारिश करने आई हूँ कि मैं आपको तफरी करने नहीं आई हूँ, मैं आपको बांटने नहीं आई हूँ गुजर और पहाड़ी के नाम पे, कश्मीरी और हिंदू और मुसलमान के नाम पे, सिख और मुसलमान के नाम पे। हम चाहते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मामलात हैं जिनका मुकाबला करने की जरूरत। अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो मुकाबला क्या करेंगे, किस चीज का मुकाबला करेंगे। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी। मुझे उम्मीद है 7 तारीख को आप निकलेंगे, मुझे कामयाब करेंगे। और आपसे वादा है जब मैं कामयाब होंगी मैं आऊंगी आपके छोटे, मैं नहीं कहूंगी बहुत बड़ा मसला मेरे फंड से हल होगा, मगर जहां भी ये नौजवान कहीं फील्ड मांगते हैं, क्रिकेट मांग, कहीं ट्रांसफार्मर की जरूरत होती, कहीं तार की, कहीं कुआं वगैरह, ये छोटे छोटे काम है, इंशाल्लाह ये काम मैं करूंगी। और बड़ा काम है टनल का, जी जी, वेरी गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आज इतनी मुश्किल होती है, मैं कितने दिनों से आने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये तो मेरा हाल है, आप लोगों का क्या हाल होता होगा। अगर टनल बन जाएगा तो इस रास्ते में कारोबार भी बहुत बढ़ेगा और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जब सरकार आई 3 साल जो हमसे बन पड़ा किया, चाहे मुगल रोड हो, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कितने कॉलेज बनाए, रहबर तालीम, टीचर घर घर गली गली, खास सबसे बड़ा अमन, क्योंकि आपको मालूम होगा इन पहाड़ों में रहने वालों की हालत क्या थी। मिलिटेंट आता था, खाना खाता था, वो जाता था, आर्मी वाला आता था, बोलता था बताओ कहाँ है, मार पीट। तो उससे हमने पीडीपी की सरकार ने उससे नजात दिलाया, खासकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। आज वक्त है इलेक्शन का, तो मेरी सबसे गुजारिश है, मैं मेरे जिंदाबाद 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 जि
जिंदाबाद।